सपा के अतरौलिया विधायक संग्राम यादव से खास बातचीत। बीजेपी के जंगल राज से उन्होंने कहा कि यूपी की जनता परेशान है। समाजवादी पार्टी के अतरौलिया से विधायक संग्राम यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। 11 सीटें हैं, उपचुनाव है, रामपुर से आप लोग दावा ठोकते हुए जो है नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि एक तरफ जो जनता थी वो कहीं ना कहीं आजम खान से परेशान थी और एक तरफ आप जो है वोटों के जरिए हम देख रहे हैं परिणाम कुछ और ही है? अभी जो रुझान आ रही है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि आजम साहब की पत्नी, उन्होंने निर्णायक बढ़त ले ली है। मैं भी आजमपुर गया था, रामपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ। वहाँ की आवाम ने फैसला किया था कि जो बीजेपी का न्याय है, अत्याचार है, जो विश्वविद्यालय पर, जौहर अली विश्वविद्यालय पर हमला है, जो नौजवानों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, उसको उन लोगों ने बड़ी गंभीरता से लिया है। आज जिस तरह से रुझान है, हमें लगता है कुछ ही घंटों में परिणाम आपके सामने होगा, देश के सामने होगा। 11 सीटों में से कितनी सीटों पे आप लोग दावा ठोक रहे हैं, क्योंकि रामपुर का तो हमने डिस्कशन कर ही लिया है। हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी काफी बढ़त हासिल कर रही है, अभी जयपुर में भी निर्णायक बढ़त हासिल कर रही है और दो तीन जगहों पर भी इस तरह की सूचना मिल रही है, और अभी 2 घंटे के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैसला ले रही है। आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश अपने पुराना गौरव हासिल करेगा। शुक्रिया सर, आरएनआई टीवी से खास बात करने के लिए। तो ये थे हमारे संग्राम यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि फिलहाल के तौर पर अगर स्थिति को समझने की कोशिश करें तो जो 4 से 5 सीटें हैं वो हमारे पाले में नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी परिणाम बाकी है। ये देखना दिलचस्प होगा क्या समाजवादी पार्टी इस बार उपचुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती है या बीजेपी हमेशा की तरह बाजी मार ले जाती है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं भावना, आरएनआई टीवी।